ना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले बिना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पुरावा प्रूफ क्या हो सकता है भाई। ये कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। जहाँ एक तरफ में कंगना रनौत जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़ी होती है और कहती है अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई महानायक है और वैसी इज्जत अगर किसी को दी जाती है तो वो कंगना रनौत को दी जाती है, वहीं दूसरे तरफ में भाई एक कच्चा बदम पे नाचने वाली लड़की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी रामायण के अंदर में सीता का रोल प्ले करते हुए देखी जाने वाली है। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मोदी जी कितने हाई लेवल पे जा करके अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हो जिस वीडियो में बोला जा रहा है कि भाई ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है और अभी इलेक्शन कमीशन को क्या दिख नहीं रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या हो गया है, तो आप एक बार खुद ही देख लो। मतलब प्रमोशन वैसे कर तो नहीं सकते, किसी को मुंह पे बोल तो नहीं सकते कि आप मुझे ही जाके वोट देना या बीजेपी को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब इलेक्शन बूथ के अंदर में जो सिग्नेचर करने के लिए या फिर नोट करने के लिए कुछ भी अगर पेन का इस्तेमाल किसी को करना हो तो वो पेन तो यूज करेगा, लेकिन उसमें जो है बीजेपी का पूरा भाई ट्रेडमार्क होगा और उससे आप समझ लो कि ये कह रहे हैं कि आपको किसको वोट करना है। वहीं जहां पे इतनी सारी चीजें हो रही है उसके बीच में जो है बीजेपी को यही नहीं पता है कि उनका एक मेंबर और उनके जो भाई पार्टी में आए हुए हैं बंदे वो ऑलरेडी बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं। मतलब लगभग 3000 से भी ज्यादा क्या कहा जाए एक बहुत ही बड़ा सा कांड का वीडियो लेकर के बैठे हुए। और खास बात तो यह है कि इसके अंदर में सिर्फ आम फीमेल नहीं है, इसके अंदर में कार्यकर्ता भी है, इसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफिशियल भी है। मतलब हर वो लोग आप जो इमेजिन कर सकते हो वो सब के सब है, यहाँ तक के जो इनकी दादी की उम्र की है, प्रज्वल रेवन्ना के दादी की उम्र की, आप समझ रहे हो, उसके साथ में भी भाई। तो इनका 3000 से भी ज्यादा वाला कांड नहीं पता है बीजेपी को। और क्या कर रहे हैं, हम बेटी बचाएंगे, हम महिला की रक्षा करेंगे। और देखो महिला की रक्षा करने के लिए किसको बुलाया है। वहीं आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो धरना देकर के बैठी हुई थी जितनी भी स्पोर्ट्स की तरफ से लड़कियां थी और उन्होंने जो एक उंगली उठाया था कि हमारे साथ में क्या होता है, तो उस भाई साहब को तो अब बीजेपी ने नहीं लिया लेकिन उनके बेटे को ले लिया है, क्योंकि अगर उनको खड़ा करेंगे तो उनको तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या हो सकता है, अब देखो जितने भी लोग खुश हो रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, कर्नाटक में कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं उनको वोट ऑलरेडी दिया जा चुका है। इलेक्शन के बाद में ये सारी चीजें हाथ लगी है और अभी तक इसका कोई भी ठोस सबूत तो नहीं आया, लेकिन ये कांड जो है बहुत पहले से चलता हुआ रहा है, सबने अपने मुंह बंद रखे थे और अभी जो है ये भाई साहब भाग चुके हैं इंडिया छोड़ करके। अब इसकी सफाई में कहा जा रहा है इनके पिताश्री के द्वारा कि मेरा बेटा भागा नहीं है, इट्स अ प्री प्लान टूर है, जो वो गया है वापस आएगा और सबके बारे में जो है बात करेगा, सबको जवाब देगा, वो बेकसूर है। और देखो एक चीज कान खोल करके सुन लो, ये मत सोचना कि अभी बीजेपी है तो भाई पेले जा रहे हैं, अभी सरकार बीजेपी की है, बाद में कांग्रेस की होगी, उसके बाद किसी और की होगी, तो भाई सब पे उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि अगर आप जागरूक हो तो आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो प्रज्वल रेवन्ना है ये इससे पहले कांग्रेस में थे और उनको भी इन सारी चीजों के बारे में पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया गया और शायद इस बार भी नहीं लिया जाएगा। आपको पता ही है अपनी बीजेपी सरकार ने एक वॉशिंग मशीन खोला है जिसके अंदर में कोई भी जाता है धुल करके बाहर आता है एकदम व्हाइट वॉश। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है तो भाई न्यूज ये भी निकल करके आ रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी पे सिर्फ एक मीम शेयर करने की वजह से जो है जिस बंदे ने मीम शेयर किया है उसके ऊपर में कड़क एक्शन लिया जा रहा है, उसको अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है वो मीम अभी के अभी हटाओ। तो जिसके कारण जो है एक्स के ऊपर में कूलेस्ट पीएम का जो है किताब लेकर के घूम रहे अपनी मोदी जी, क्योंकि उनके तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, जिसके वजह से एलॉन मस्क के साथ में मुलाकात की जा रही थी, एलॉन मस्क से ये भी कहा जा रहा था कि इस तरह की जो भी ट्वीट्स आते हैं उसको आप पूरी तरह से बैन करो और हमारा साथ दो, जिसके बाद से जो है एलॉन मस्क आना ही भूल गए और आने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने एक चीज और कर दिया है कि भाई जितने भी वीडियोस बनाए गए थे और बीजेपी सरकार की तरफ से एक तरह से एड कैंपेन चलाया जा रहा था भाई, उसके रिवर्स में जो है बनाना शुरू कर दिया। और एक जो है काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि भाई
जो बल्ला वल्ला चला रहे हैं, मतलब जो क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी करे एम्पायर भाई उस पर सिक्स देगा। जो बंदा भाई कैच कर ले वो कैच छोड़ देगा, और उसके बाद सिर्फ साइड में दिखाया जा रहा है एक्सटॉर्शन माफिया एंड ऑल के भाई देखो अभी के अभी छोड़ो वरना फिर तुम्हारी बैंड बजा देंगे, और ऐसे करके सारे लोगों को अपने अंदर डाला जा रहा है, अपने टीम में शामिल किया जा रहा है। तो ये क्लियर कट मैसेज है कि अगर आपने इधर पे वोट किया तो क्या होगा और उधर पे किया तो क्या होगा। उसके बाद से भाई अर्णब गोस्वामी के ऊपर में एक तरह से मीम ही बनाया गया है। आपके सामने में जो भी चीजें दिख रही है सभी चीजों की कीमतें कम हो चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा सारी चीजें अफवाहें हैं, आप इन सारी चीजों को इग्नोर करो और हमारे मोदी जी को वोट करो। भाई वो वाला एड भी जबरदस्त लग रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो भाई एक बार जाकर के देखना जरूर। देखो मुझे तो भाई मजा आ रहा है, जो सरकार जीती भाई जीतने दो, जीतने के बाद से भाई सत्ता में आती है आने दो, आपका काम है भाई आप एनालाइज करते रहो और दिखाते रहो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी लोग हैं इसको जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट ले, क्योंकि आजकल फिल्म वेब सीरीज सीरियल इन सब में एंटरटेनमेंट गायब हो चुका है, और मीडिया पे कह लो या फिर पॉलिटिक्स में कह लो भर भर के एंटरटेनमेंट आता है। एंड मोदी जी अगर नहीं होते तो भाई हैट्स ऑफ, क्या होता, लोग डिप्रेशन से मर जाते। मतलब जिस तरह के उनके बयान आते हैं, जिस तरह के उनके स्टेटमेंट आते रहते, उससे भाई एंटरटेनमेंट का तो फुल इंतजाम हो जाता है। सो दैट्स इट, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो चीजें चल रही है मैं वही चीज ला करके सामने में रख रहा हूँ। व्हाट्स योर टेक, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजों के बीच में आपका क्या टेक है, कमेंट करके बताना, और जिन भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें कहनी है वो भी लिख सकते हैं। भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।